वट इज़ लैंग्विज ये स्टूडेंट्स मुझे आपसे मॉड्यूल वन लैंग्वेज वट इज़ लैंग्विज के बारे में आपसे बात करनी है वट इज़ लैंग्विज सो लैंग्विज इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयरड फिनिना ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और कसरुलजहती फिनािना है जो रूटड इन ह्यूमन कल्चर एंड कगनीशन जो इंसानी कल्चर और उसकी ज़हनी असलाहितों में गुंदा हुआ है इट्स एन एनिशनल एन, एन एन टूल ये एक इब्तदाई टूल है गुफ्तु करने के लिए अपने जज्बात फीलिंग्स एहसास इमोशंस के इजहार के लिए जब दो अफराद के दरमियान जब वो बातचीत करते हैं तो अपनी अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं और एक दूसरे पर अपने ख्याल का इजहार करते हैं और ये मुखलिफ़ नस्लों में नॉलेज को ट्रांजिशन यानी नॉलेज को ट्रांसमिट करने का भी एक सोर्स है सो देर आर वेरियस डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज ईच शेडिंग लाइट ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ दिस इन्वॉल्व ह्यूमन कैपेबिलिटी। यानी जो मुख्तफ माहरीन ने मुखल लैंग्वेज की तारीफें की हैं जो इंसानी साहित्यों की मुखलिफ़ कैपेसिटीज के साथ रिलेट करती है सो लैंग्वेज इज़ ऑफन एज कम्यशन टूल Uh, enable individuals to convey thoughts, emotions, and information through spoken or written words, gesture, and other eye contact symbols also. Language definition a rule governed system. Mahirin is a rule governed system. Uh, language rule governed system with syntax, morphology, and syn semantics. तो ये ग्रामर अलफाज की साख्त और सीमेंटिक्स दैट डिक्टेट हाउ वर्ड्स एंड सिम्बल्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड कम्बाइन जो हमें बताती है कि किस तरह वर्ड्स और सिम्बल्स जो हैं वो कम्बाइन होते हैं और बनते हैं कल्चरल एक्सप्रेशन तो लैंग्वेज और कल्चर का बहुत गहरा ताल्लुक है ये कल्चरल एक्सप्रेशन के ज़रिए वेगोस्की इसको कहता है कि लैंग्वेज कल्चर के इजहार का बहुत अहम जरिया है और कल्चर uh, जो है ये लाइफ है ह्यूमन लाइफ है सो इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज़ बिलीव्स एंड ट्रेडिशन ऑफ आर सोसाइटी इट इज़ अ पावरफुल मीडियम ऑफ प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चर हेरिटेज यानी जो कल्चरल हेरिटेज है यानी ती वर्सा है उसको ये मुंतकिल करने की एक अहम सोर्स है कग्नेटिव कैपेसिटी तो कागनेटिव कैपेसिटी भी ये बहुत अहम एक और नुक्ता नज़र है कि जो लैंग्वेज का जहनी सलाहितों का जहनी नशो के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है और ये डिस्टिंगशिंग ह्यूमन बींग्स फ्राम अदर स्पीशीज़ तो दिस व्यू एक्सप्लोर द न्यूरोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज तो ये नर्व्स और तो इंसानी साइकोलॉजी और फिजियालोजी इन सब के इजहार का सब के एक्सप्रेशन का एक जरिया है सोशल इंटरेक्शन सो लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इंडिविजुअल्स पर्टिकुलरली चिल्ड्रन एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स नेगोशिएट मीनिंग तो बच्चे अपने ताल्लक़ को बहाल रखते हैं मीनिंग्स पर नेगोशिएट करते हैं और ये आल्सो एंगेज चिल्ड्रेन इन कोलेबरेटिव एक्टिविटीज़ तो एक मुशतरक सरगर्मियाँ कॉमन सरगर्मियों में बच्चों को ये इंगेज भी करती है और जनरेटिव so एबिलिटी तो लैंग्वेज इज़ जनरेटिव एबिलिटी ऑल्सो एलोविंग स्पीकरस टू क्रिएट एन एन इंफिनिट नंबर ऑफ़ाद नंबर ऑफ नावल सेंटेंसेस टू कन्वे न्यू आइडियाज तो दिस वॉज दिफरेंट डिफरेंट Aspects of language.